I'm not on the Sakina. Hello everyone, welcome back to Janet Ka Vlog. Tapailai dherai maya ani thank you so much. Hope aap log sab thik hoge. Main bhi accha hu aur mera 2023 ka start ho raha hai hindi se. So hindi to accha nahi, fir bhi aap logo ko pasand aaye to comment karna aur like share karna. Aur main abhi aap log raste to dekh hi liya hoga. Main thoda sa yahan samaan lene ke liye aaya tha gaon mein. गांव में सामान लेके जा रहा हूँ क्योंकि गांव में थोड़ा सा हमको ऐसा ही थोड़ा दूर जाके सामान खरीद के आना पड़ता है. आसमान का खुला नज़ारा देखते देखते मैं घर पहुंच चुकी हूं और ये है, आप लोग शायद इसको नहीं जानते लेकिन ये क्या बूम बूम स्टिक. ये है बूम स्टिक जो अभी का गांव में मेन काम ये होने वाला है. गांव में ये इसका ये क्या होता है, थोड़ा सा बिजनेस होता है जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं ना, ये आप लोग सफाई करने में. सो इसका पैर ऐसा होता है और अभी गाँव में ये काम चल रहा है मेरा. वो वो ओ आते आते मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया रास्ते में. ये हमारा घर का मेन है. सो मैं पहुंच चुकी हूँ हमारा घर का ये गार्डन जब इतना खिलखिला कर रह रहा है. So, yes. ये है मूली. आ फूल खाने रु जा 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 तो उतर जा. हे बदमाश हरु. न्याय जा न्याय 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 गाइस, हम लोगों का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है और हम लोग अभी यहाँ पे बैठ रहे हैं और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है क्योंकि थोड़ा सा सनी है, थोड़ा सा वेदर वो हल्का धूप निकल के आ रहा है. तो आज हमारा बतीम के घर में आज जो बूम स्टिक है ना उसका काम हो रहा है. तो हम लोग जा रहे हैं खाजा बनाने के लिए और आज का मौसम देखते हुए बहुत खुश बहुत आनंद मिल रहा है क्योंकि आफ्टर मैं भी थोड़ा सा घूम फिर के ना सिलगुड़ी कालिम्पोंग उसके बाद घर पे पहुंच चुकी हूँ. और इसी के साथ में मिलती हूँ, बाय. आज जो भी पकाएंगे ये हमारा देसी चूल्हा में बनेगा. आज का हम लोगों का ये है और हम लोग आज इसमें लंच बनाएंगे जो ये हमारा आज का ये पानी उबल रहा है अभी और थोड़ा सा चाय बनाएंगे. यहाँ पे है मेरा फिक्का चाय और ये लेके जाना पड़ेगा अभी खेताला के लिए. अब हम हिंदी मत सुनो ना. आज का ये जैसे कि मैंने बोला था ये बूम स्टिक आपको इसको मोड़ना पड़ेगा लाइक दिस, तभी इसको निकल के आएगा ऐसा. और मैं चाय लेके पहुंच चुकी हूँ और ये हमारा आज का तीर्खा लागे भनी जाऊ.
अच्छा ये हमारा सब्जी आसकूस। ये है पम्पकिन का सीड और इसका मैं अचार बनाने वाला हूँ। और इसका भी ये को थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा ऐसे ही। देसी राइस खतरा भरा है। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, अंडा पक गए, अचार बन चुका है, राइस भी रेडी है और सब्जी तो माँ कसम अच्छा बनाए। मैं अभी जो लोग काम कर रहे हैं ना उन लोगों को वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग सुबह का 10 से शाम तक 4 बजे तक वो लोग करेंगे, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है। जब आज हमारा है कल दूसरे के घर में जाना पड़ेगा, वैसे ही रूल है। तो वो सब कर रहा है क्योंकि अभी इसका सीज़न है, जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बूम स्टिक का वो एक टाइम होता है, उसके बाद वो सारा थोड़ा सा यूज़लेस होता है ना, जो आप लोग घर पर यूज़ करते हैं, तो उसका जल्द ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसका वो थोड़ा सा वो होता है ना, वो थोड़ा सा पक के अच्छा नहीं होता है। सो इसलिए इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे सब कुछ लेके रखा है, ये सारा सुखाना पड़ेगा। इसका ये पैर है, ये सब गाइस। इसी के साथ में ये मेरा गांव का नज़ारा है, जो इधर पे एक दूसरा गांव है और तीसरा चौथा पंजा छक्का और ऐसे ही करके हम लोगों का यहाँ पे है। और देखो अभी सारा बूम स्टिक का सीज़न है, मैंने बोला था आप लोगों को, देखो इधर भी है, ये सब ख़त्म करना पड़ेगा जल्दी ही। बदिम बदिम खाजा कति बेला खानु ने एकछिनमा त्यो लाइन थुदी सकिहाल्नु नि, के साह्रो कराहरू कराई छ, कराई खतरा 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 खतरा। सो म ऐसा ही करके बैठ रहा हूँ क्योंकि कोही नै आ रहा है खाजा खाने के लिए, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार इंतजार इंतजार। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी बिकॉज माई हिंदी से बहुत ख़राब है। सो क्या करें, ऐसा ही है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर नेपाली में बात करते हैं ना, तो इसलिए हिंदी थोड़ा सा वो होता है ना, थोड़ा सा टंग स्लिप होता है, क्योंकि जो जो वर्ड होता है ना वो हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना उस टाइम को वो वर्ड ही नहीं आता है ना, तो एक्सक्यूज। तो हम लोगों का खाजा ख़त्म हो चुका है और अब मैं भी जा रहा हूँ ये अपना निंजा टेक्निक लेके, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। गाइस ऑलमोस्ट फिनिश, क्योंकि अभी शाम का 3:30 हो गया, तो आज के लिए इतना ही है। सो मेरा भी काम ख़त्म हो गया। आज का ये है मज़ेदार काम, जमिया जी यहाँ सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। आज का ख़त्म हो गया है और ये है मेरा चाय, और अब मेरी चाय के साथ में मैं अपना ब्लॉग भी अभी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, सो बाय, दिस इज माई टी, सो थैंक यू। ओ हे hey.